हिलाओ अपने हाथों को। यस, मेरे शाफी खुदाया, तेरी सना मैं गावा। अपने हाथों को उठा के खुदावंद, आसरा रूह, आसरा आत्मा मेरी जिंदगी में कार्य करें, अजीब और अचंभी रीति के साथ आसरा रूह मुझे छुए। जिस काम के लिए खुदावंद तू मुझे लेके आया वो मेरी जिंदगी में पूरा हो। आज तेरा पवित्र कलाम मेरी जिंदगी में घर करे, मेरी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए। आपके वचन में लिखा है कि मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना, मेरी शिक्षाओं को तुच्छ ना जानना। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। खुदा बाब, आज मैं तेरी आज्ञाओं को, आज मैं तेरी टीचिंग्स को, तेरे पवित्र कलाम को जो तेरा आत्मा आज मुझे सुनाएगा, मैं उसे संभाल के रखूंगा, मैं उस पर मनन करूंगा, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। आपने मुझे इसलिए नहीं चुना कि मैं फल रहित रहूं, आपने मुझे इसलिए चुना कि मैं बहुत सा फल लेके आऊं और मेरा फल बना रहे। खुदावन, तेरे वचन पर चलने के बिना मैं फल नहीं ला सकता। आज तेरे वचन के ऊपर मैं चलने का फैसला करता हूं। जो मैंने कल सुना मैं उस पर चलूंगा, जो मैं आज सुनूंगा मैं उस पर चलूंगा और मैं फलों को लेके आऊंगा। वो फल खुदावन जो तू चाहता है मेरी जिंदगी में हो, मैं उन फलों को लेके आऊंगा। अंधकार की शक्तियां आपकी जिंदगियों से वो फलों को चुरा ना सके और नष्ट ना कर सके, यीशु मसीह के नाम में। टाइम हील नहीं करता, आपका राइट स्टेप परमेश्वर की ओर। और याद रखो, सिर्फ प्रेरितों को, पास्टर्स, इवेंजलिस्ट को ही परमेश्वर ने सेवा करने के लिए नहीं बुलाया, उसने आप सबको, जितने बैप्टाइज हैं उसने सेवा के लिए बुलाया है, सब लोगों को। आप एक भी जन ऐसा नहीं आप बोले कि परमेश्वर ने मुझे सेवकाई करने के लिए नहीं बुलाया। हर एक व्यक्ति की ये कॉलिंग नहीं है कि वो अलग सेवा करे। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में फ्रूटफुल नहीं हो पाते जब वो इस वचन को नहीं समझ पाते कि हर एक व्यक्ति की कॉलिंग नहीं कि वो अलग सेवा करे, लेकिन हर एक व्यक्ति की ये कॉलिंग है कि वो सेवा करेगा। जो वरदान, जो गिफ्ट, जो भी उसके पास परमेश्वर ने दिया है, वो सब चीज़ों को परमेश्वर के किंगडम में लगाएगा और परमेश्वर फिर उसको सेफ रखेंगे, उसको बचा के रखेंगे। हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। और बाइबल कहती है हन्ना का वो सर्कल जो हर साल चलता था, उसकी सेवा करने के फैसले से वो सर्कल खत्म हुआ। और बाइबल कहती जब उन्होंने अपने बेटे को परमेश्वर के भवन में दिया और हर साल हन्ना उसके लिए कपड़े लेके जाती थी, तो हन्ना की मुलाकात जब दोबारा उसके नबी से, उसके याजक एली से हुई, तो उसने कहा अब यहोवा तुझे और भी वंश देगा। और बाइबल कहती हन्ना के और बेटे और बेटियां पैदा हुई और उसने कहा कि जो बांझ थी उसने जय जयकार किया, जो बांझ थी उसने मुंह को खोला। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मुंह खुला कैसे? सेवा करने से, राइट डिसीजन लेने से उसका मुंह खुला। आमेन। आपको ये फैसला लेना होगा कि मेरी लाइफ, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा फाइनेंस, हमारा सब कुछ डेडिकेट है खुदावंद की सेवकाई के लिए, उसके मिशनरी कामों के लिए, रूहों को बचाने के लिए। आमेन। अगर ऐसा नहीं है
तो हम एक डेंजर जोन में जी रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी करता है वो अपनी महिमा के लिए कहता है। तुम मेरी महिमा के लिए, मेरे नाम से, मेरी ग्लोरी के लिए जो कुछ तुम मुझसे मांगेगा मैं तुझे दूंगा, मेरा पिता भी तुझे देगा। आमेन। तो क्या हम परमेश्वर की ग्लोरी के लिए मांग रहे हैं कि परमेश्वर मुझे हील कर, मैं तेरी टेस्टिमनी को दूंगा, मैं सारी उम्र एक पवित्र जीवन को जीऊंगा, मैं अपने लोगों को, अपने परिवार को भी तेरे पीछे चलवाऊंगा, परमेश्वर मुझे छू, मेरी लाइफ पे दया कर। हमारे अंदर एक विजन है कि परमेश्वर मुझे ब्लेस कर फाइनेंशियली, मैं मिशनरी कामों को सपोर्ट करूं, जहां रूहें बचती वहां जाऊं, कुछ भी करूं लेकिन मैं तेरे कामों को आगे लेके जाऊं। वो आपके फाइनेंस को ब्लेस करेगा, नहीं तो आप सारी उम्र मांगते रहेंगे और परमेश्वर आपको देगा नहीं। सब खड़े हो जाओ अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज में, हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी आत्मा खुदावन लोगों के ऊपर उतरे खुदावन, तेरी सामर्थ्य, तेरा अभिषेक उतरे खुदावन, तेरा अभिषेक इनके जिंदगी में आए, तेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक आए खुदावन, पवित्र आत्मा की ताकत इन पे आए खुदावन। अपने हाथों को उठाकर पवित्र आत्मा की गैर भाषाओं से भरना शुरू करो यीशु मसीह के नाम में, ऊंची आवाज में। आज खुदावन तुम्हें छुए, बिना उस आत्मा की सामर्थ्य से तुमको वापिस नहीं जाना है, बिना उस आत्मा की ताकत के तुमको वापिस नहीं जाना है। खुदावंद को बोलो मुझे यूज कर खुदावंद, अपनी जिंदगी में आपको देता हूं, अपनी लाइफ को समर्पित करता हूं खुदावंद, मैं माफी को मांगता हूं इकट्ठे ना चलने के लिए, माफी को मांगता हूं सेवा ना करने के लिए, आज से मैं डेडिकेट करता हूं अपने आप को खुदावंद। ऊंची आवाज में उसका आत्मा पे उतरे राइट नाउ, खुदावंद का अभिषेक आप पे उतरे राइट नाउ। आमीन आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। Holy Ghost, fire on you! Your spirit, hey, come on! ए मेरी ओर देख, आउट इन जीसस नेम, आउट पे इन जीसस नेम, तू फ्री है। अग्नि समान उतरा, सरेंडर इन जीसस नेम, अग्नि समान उतरा, होली का सारा दिया, इस बहन का नाम प्रभजोत है और ये विनीपेग से है। अपोस्टल जी, इस फैमिली पे जनरेशनल कर्ज था, इनकी फैमिली पूरी फैमिली पे मिर्गी के दौरे पड़ते थे अपोस्टल जी, पहले इनके दाद के साइड इनके फादर के मामा जी को अपोस्टल जी, फिर इनके दोनों ब्रदर्स को, इनकी नानी के जो दोनों बच्चे थे ट्विंस थे वो भी मर गए थे अपोस्टल जी। इसी कारण अपोस्टल जी जब ये बहन प्रेग्नेंट हुए, सो 4.5 मंथ के जब ये प्रेग्नेंट थे, तो विनीपेग रिसर्च सेंटर के डॉक्टर्स ने कहा कि इनके जो बच्चे हैं वो अपोस्टल जी उनके जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें गैप है अपोस्टल जी। उन्होंने कहा कि अगर तो ये सिर में है तो ये ब्रेन का, जब इनकी स्कैनिंग हुई तो इनके बच्चे की जो स्पाइनल है उसमें गैप था, और वो उस पार्ट में था जहां उसको पैरालिसिस होगा, अपर पार्ट में गैप हुआ तो ब्रेन पैरालिसिस होगा। और डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और ट्विंस बेबी थे, लेकिन आपको ये फैमिली ट्रबल था पीछे से, जनरेशनल कर्ज था, ये सभी चीज़ों का आपके जनरेशनल कर्सिस थे आपकी फैमिली में, इनकी फैमिली में, मदर इन लॉ की फैमिली, जो हाँ, मतलब आप ही की फैमिली है वो, इन लॉ फैमिली। उसके बाद बेबीज हुए, इन पे ट्रबल हुआ, गैप था, डॉक्टर ने बोला कि आपको
खत्म करना चाहिए या कुछ भी करना चाहिए? हाँ जी, एक बेबी डेड हो गया, वो दो दिन तक डेड रहा, इनको प्रॉब्लम शुरू हुई, धड़कन बंद हुई या क्या हुआ आपको? हाँ जी, सांस हाँ जी, और नीली हाँ पड़ गई बॉडी। हाँ जी, आपने लिखा कि आप आपके जो मदर थे हाँ जी वो चर्च के साथ मदर को मालूम हुआ, उन्होंने आकर प्रेयर की, जब प्रेयर रिसीव करके वापिस गए, उस बच्चे की धड़कने चलने लगी, आपने दो हेल्थी ट्विंस बेबी बॉयज को जन्म दिया, कोई गैप नहीं, कोई मिर्गी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओ जीसस, नाम क्या रखा है इनका? जोएल जोशुआ। जोशुआ और जोएल। ओके, हालेलुया। चल फिर कंपटीशन हो जाए दोनों, जो कौन तेज हालेलुया बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। यार द कनाडा वांगू बोलते अपोस्टल जी, आज ये भाई पिछले कई सालों से बोल नहीं पाते थे अपोस्टल जी, कुछ समझ नहीं आती थी, आज इन्होंने वॉमिटिंग की जब मास प्रेयर के दौरान, और अब ये ब्रदर क्लियर बोल पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज कीमोथेरेपी के 3 साल से को पछता नहीं था, आज आपने इसे खिलाया है। हाँ जी, इन्हें उल्टिया करते होंगे सी, 3 साल हो गए इन्हें कुछ नहीं खाते सी, सिर्फ पानी टेस्ट करके छोड़ देते सी, हुण इन्हें खाना शुरू कर लिया। हालेलुया। अपोस्टल जी, पिछले 8 साल से ये जो छोटा बच्चा अपोस्टल जी, ये बोल नहीं पाता था, ये थतला के बोलता था, जैसे ही आपने गूंगी मेरी आत्मा को डांटा, इसने रिसीव किया, और अपोस्टल जी अब ये बोल पा रहे, क्लियर बोल पा रहे। बेटा बोल के दिखाऊं, जीसस। ओ, सारे जीसस ही बोलते थे हैं। बहन को पिछले 5 साल से पेशाब बीच में निकल जाता था अपोस्टल जी। आप अपने मुंह से बताओ, आपने लिखा कि 5 साल से आपका जो यूरिन था वो बीच में निकलता था। हाँ, 8 से 9 बार आप कपड़े बदलते थे रोज। हाँ जी, 8-9 पजामिया बदल दी थी मैं, बहुत पाशरूम आउंदा भी नहीं सी हुंदा, जेड़ा पहले ही निकल जांदा सी। और कल आप जब हील हुए, आपको तनु विश्वास नहीं होया? हाँ जी, मैं ते लत्तां ते भी नहीं सी तुरया जांदा, वो भी ठीक नहीं। ये चल पा रहे हैं, यूरिन प्रॉब्लम फिनिश हो चुकी, और आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। 2012 में अपोस्टल जी एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 18 टायर्स का ट्रक इनके ऊपर चढ़ गया, एक्सीडेंट में भयानक। फोटो है? हाँ जी अपोस्टल जी, दिखाओ। ओ जीसस, ये आप हैं? ये आप हैं? ओ, आपके फेस पे चढ़ा है क्या? नहीं, मेरे पेट पे। पेट पे? तो ये फेस पे क्या, पेट पूरा वो मेरे मुंह पर लगा, तो फिर नीचे आ गई ट्रक पे। आपके लोअर बैक, हिप्स, सारा कुछ डैमेज था जी। आपके साथ कौन है? मम्मी। इनकी मदर आपके मम्मा है। लेकिन हाँ, मैं साइड पे डिगी, एक ट्रक दे तले चली गई। आप साइड पे गिरे और ये ट्रक के नीचे आए? हाँ, जो फ्लैट बेड 18 व्हील वाला ट्रक नहीं होता, ऊपरला हिस्सा ये इथे लगा गए, क्योंकि पता नहीं कितना टर्न करके थले चली गई। कितने साल ये बेड पे रहे, कितने देर? 2 साल व्हील चेयर पे थे। ओह, उस तो बाद बॉकर जूस किया, फिर उस तो बाद केन जूस किया। और इसकी मेमोरी आपने लिखा कि भूल गई थी सबको? एक मेनू ते मेरे बेटे नु याद किया सी बस, बाकी सारे ने भूल गई सी। जो स्कूल भी सी, स्कूल जाके मैं जो जीयर बुक होंदी है बच्चों ने, स्टूडेंट दा, सारे दा, कल्ले कल्ले दा, किन्ने सारा, अजे तक भी इनू याद नहीं सीगा। लास्ट दिस ईयर तो इन्हें सारा कुछ याद आया, जनवरी तो जो प्रभु चाहिए। ओ जीसस, आपने लिखा सबसे बड़ी बात यह है कि आपने एवरी मीटिंग अटेंड की है, हर मीटिंग आपने अटेंड की जी। मैं माउंटेन प्रेयर, ये भी रिसीव कर दी सी रात नु जदों दा स्कूल। और जब आपने प्रेयर रिसीव की जी, कितने साल पुरानी मेमोरी वापिस आई? 10 साल पुरानी। ओ जीसस, हाँ? जो खाना खांदी सी, इन्हें ये नहीं सी पता सी मैं कदों खाना खाता पहले। दो बारी खा लेंदी सी, मैं कह तू खा लिया के फिर ब्रश करना, इन्हें दो तीन। आपको अब कैसा लगता है? क्या बहुत हल्का, और आप कंप्लीट हील हैं, मम्मी पापा? हाँ जी कंप्लीट। हाँ जी। ओ जीसस,
पाकरू यहोवा दा पाकरू मसीहा दा वसदा है साडे अंदर के मौजां लग गईयां ने के मौजां लग गईयां ने। अपोस्टल जी इस बैंड को पिछले कई सालों से सुनाई नहीं देता था और इनके लेफ्ट ईयर में मशीन लगी हुई थी अपोस्टल जी, और जैसे ही आपने प्रार्थना की कानों के रोगियों के लिए इन्होंने रिसीव किया और इन्हें सुनाई देना शुरू हो गया, और अपोस्टल जी ये मशीन साथ लेके आए हैं। मशीन दिखा। ओ, ये तो हेयरिंग एड है अपोस्टल जी, ये तो आईफोन का डब्बा होता है वैसे ही। हाँ वो एयर। ओ अग्नि समान उतरा। अपोस्टल जी इस बहन को पिछले 15 साल से गठिया था अपोस्टल जी, जिस कारण ये ना अपने अपने जॉइंट्स को हिला पाते थे अपोस्टल जी, ना चल पाते थे, बहुत कम चलते थे। आज जैसे आपने प्रार्थना की अब ये चल पा रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंचों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।